देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे हमारे पास आ रहा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे वीबीटी। सबसे पहले ये बताता है, इसका सबसे पहला काम ये था कि जितने ज्यादा बॉन्ड हो उतना अच्छा, लेकिन बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला ये था कि ऑक्टेट रूल कोई मायने नहीं रखता, मोर बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। क्या बोलता है? मोर बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। तो हम बात कर रहे हैं मोर बॉन्ड्स मोर स्टेबिलिटी। मोर स्टेबिलिटी पहला पॉइंट क्लियर है। लेकिन जितने भी कोवलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड हमेशा क्या रहेंगे? बॉन्ड ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तो कम ही रहेंगे। दूसरा, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बॉन्ड बनाने के चक्कर में इस बात का भी ध्यान रखेंगे किस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज दैट क्लियर? तो ज्यादा बॉन्ड बनेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ये बात इन्होंने बताई, इसलिए अपने वैलेंसी का एक्सपांशन कर सकते हैं। यानी थर्ड पॉइंट ये कहा कि एटम कैन एक्सपांड देयर ऑक्टेट। और फोर्थ, इसका मतलब एटम या एलिमेंट, एटम ऑफ एलिमेंट लिख लीजिए, ऑफ एलिमेंट शो वेरिएबल कोवलेंसी। यानी वेरिएबल कोवलेंसी शो करेगा, और वेरिएबल कोवलेंसी की वैल्यू आपके पास डिपेंड्स करेगी कि उनके पास वैलेंसी कैसे एक्सपांड हो, सही है? तो वेरिएबल वैलेंसी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन कि उसके पास पहला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर है या नहीं है, और दूसरा लोन पेयर को अपन क्या करें, इस तरह से करें कि लोन पेयर को एक्सपांड कर दें, यानी कि लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करें। तो एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने के लिए एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी चाहिए। शुड बी प्रेजेंट, एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो वेरिएबल एक्सपांशन नहीं होगा। तो इसको केस स्टडी के रूप में समझना पड़ेगा, एग्जाम्पल के रूप में। बात करता हूं मैं नाइट्रोजन की, NH3 और PH3। नाइट्रोजन और फास्फोरस छोड़ो, नाइट्रोजन ही लिख लो आप तो, और फास्फोरस। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ध्यान से सुनना। नाइट्रोजन का ये है इलेक्ट्रॉनिक, 2s2, 2p2, 2p3, या सुनो। फास्फोरस का क्या है? फास्फोरस का है 3s2, 3p3, बोलो या सुनो। और 3d भी है उसके पास, लेकिन खाली पड़ा है। क्या इसके पास 3d होता है? नहीं। तो ये अपनी वैलेंसी का एक्सपांशन कर सकता है? नहीं। ये कर सकता है? नहीं है। कैन नॉट एक्सपांड देयर वैलेंसी। वैलेंसी, इट्स वैलेंसी, या वैलेंसी लिख लो। लेकिन ये अपनी वैलेंसी का एक्सपांशन कर सकता है, कैसे? इस पेयर्ड को अनपेयर्ड करके। अब दो अनपेयर्ड होंगे, और एक बार अनपेयर्ड हो गया तो ये अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अभी यहां पर वैलेंसी कितनी थी? 3। यहां वैलेंसी अब किस कितनी हो जाएगी? 5। यहां वैलेंसी कितनी है? 3।
क्या वैलेंसी 5 शो कर पाएगा? नहीं. सो फाइनली क्या है? फाइनली फास्फोरस कैन शो 3 और 5 वैलेंसी. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है? एग्जाम्पल PCl5 जनरेट बट वॉट NCl5 नॉट वाई. तो आंसर क्या रहेगा? वही एलिमेंट अपनी वैलेंसी का एक्सपांशन कर सकते हैं जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो. फास्फोरस हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन डू नॉट हैव. बहुत अंडरस्टूड है. फास्फोरस रखता है और नाइट्रोजन नहीं रखता. तो बताओ कौन से एलिमेंट एक्सपांशन नहीं कर सकते, एक ही तरह की वैलेंसी शो करेंगे सेकेंड पीरियड के पास, फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं हो सकते. तो की पॉइंट क्या है? फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड कैन नॉट एक्सपांड देयर वैलेंसी. की पॉइंट एक और है. की पॉइंट आपके दो एक साथ इंतजार कर रहे हैं. की पॉइंट, पहला की पॉइंट क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड एलिमेंट डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी. बिकॉज दे डू नॉट हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल. क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट अगर थर्ड पीरियड या उसके बाद में, तो वो अपनी वैलेंसी कहां तक ले जा सकता है? ग्रुप नंबर. लेकिन ध्यान रखना, बहुत तरीके से लिखना. एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ग्रुप नंबर तो ले जाएगा, लेकिन जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी? 1, एक होगी. अगर उसने एक बार एक्साइटेड किया, सिंगल एक्साइटेड में, तो कितनी हो जाएगी? 3. एक्साइटेड का मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना, एक एक. कितने लोन पेयर थे क्लोरीन के पास? 3. एक और चला गया, वैलेंसी बढ़ जाएगी. अब कितने हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में? 3. और लोन पेयर कितने रह जाएंगे? 2. तो जैसे ऐसे करूंगा मैं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? एक्साइटेड. अब ऐसे शो करूंगा 2 लोन पेयर और 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 3 और 2 लोन पेयर. फिर एक और एक्साइटेड स्टेट ले लिया मैंने क्लोरीन का, डबल एक्साइटेड. अब क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 लोन पेयर, बाकी सब अलग अलग, 2, 3, 4, 5. और अगर सातों ही अलग अलग ऑर्बिटल में ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब कोई लोन पेयर नहीं रहेगा. और इसका कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या? इस जगह वैलेंसी कितनी होगी? 7. और इसका कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होगा? 1 इस तरह से. और डी ऑर्बिटल का पूरा यूज करा है. कितने हो गए? 4, 3, 7, बस इतना सा है. तो इसका मतलब शुरुआत में जितने लोन पेयर थे उतनी बार ये वैलेंसी एक्सपांशन करेगा. और वैलेंसी भी एक्सपांशन हमेशा 2 के रेशियो में करेगा, ये नहीं जैसे 1, 3, 5, 7 होगा, 2, 4, 6, 8 ऐसे होगा. आ रहा है समझ में? तो अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है, तो जीनोन की वैलेंसी बता सकते हो कितनी होगी?
जीरो होती है वैसे तो, दो चार छः आठ, आठ से ज्यादा जा ही नहीं सकती, उसके पास जितने बैलेंस है, यानी फर्स्ट ऑड नंबर है तो सारे ऑड होंगे, फर्स्ट इवन है तो सारे इवन होंगे, यस और नो? तो जीनोन के अंदर पता है आठ तक जाएगा, यानी कि यहां तक जाएगा, नो वैलेंसी हो सकती है क्या? नहीं। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से वैलेंसी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्लोरीन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कितनी वैलेंसी शो करेगा? एक, तीन, पांच, सात, पांच, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में सात, ये इसकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, लिख लीजिए। देखिए हम बात कर रहे हैं आज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, हम ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी ऑर्बिटर का ओवरलैप के कारण ही बॉन्ड बनते हैं, इज दैट क्लियर? तो हमारे पास दो तरह के बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक है हमारे पास पाई बॉन्ड। ये है हमारे पास सिग्मा और एक तरफ है हमारे पास पाई बॉन्ड। जो ऑर्बिटल क्लाउड अगर इस तरह से अटैच हो कि ओवरलैपिंग आपको ऑन द एक्सेस मिले, मॉलिकुलर एक्सेस, ये पहला न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, तो आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो ऑर्बिटल है ये ओवरलैपिंग भी कर रहा है, लेकिन कौन सी एक्सेस पे कर रहा है? मॉलिकुलर एक्सेस, मॉलिकुलर एक्सेस, मेरे साथ ही लिखेंगे इसको। तो बनने वाले बॉन्ड को आप क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे आप? सिग्मा बॉन्ड। तो क्या डेफिनेशन बनेगी यहां पर? इफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटर प्रेजेंट ऑन मॉलिकुलर एक्सेस, मॉलिकुलर एक्सेस, मॉलिकुलर एक्सेस का मतलब वो एक्सेस जो दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करती हो, मॉलिकुलर एक्सेस, देन जनरेटेड बॉन्ड कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। दूसरी तरफ अगर हम इस बॉन्ड को इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास ओवरलैपिंग बहुत कम हो रही है, इफ और इस तरह से है, और हमारा न्यूक्लियस इस जगह पर है, तो न्यूक्लियस को जो ज्वाइन करेगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? मॉलिकुलर एक्सेस। ये मॉलिकुलर एक्सेस है हमारे, और जब मॉलिकुलर एक्सेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है जैसा आप यहां देख रहे हैं, तो इस ओवरलैपिंग को आप क्या बोलोगे? पाई ओवरलैपिंग। और बॉन्ड को क्या बोलोगे? पाई बॉन्ड, पाई ओवरलैपिंग। और बॉन्ड को क्या बोलोगे? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की क्या डेफिनेशन बनेगी यहां पर? इफ ओवरलैपिंग प्रेजेंट ऑन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मॉलिकुलर एक्सेस, देन जनरेटेड बॉन्ड कॉल्ड पाई बॉन्ड। देखिए ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट था जो आपने यहां करा, आपको लग रहा है ये ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है? हाँ मुझे भी लग रहा है। तो इट इज स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, वेरी हाई,
हाई अमाउंट, ओवरलैपिंग, सो जनरेटेड बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एंड लिबरेट हाई अमाउंट ऑफ हीट, एंड लिबरेट हाई अमाउंट ऑफ हीट, हाई अमाउंट ऑफ हीट। दूसरी तरफ अगर हम पाई बॉन्ड को देखते हैं, लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इट इज लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग, जनरेटेड बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, जनरेटेड बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, तो यहां आपको जनरेटेड बॉन्ड कैसा दिखेगा, वीक दिखेगा। नहीं देखो, अगर आप बात कर रहे हो, ध्यान से सुनना, कुछ की पॉइंट्स आपके पास और निकल के आएंगे। फर्स्ट, पहला बॉन्ड क्या बनता है, सिग्मा, और दूसरा कौन सा बनता है, पाई। पहले कौन बनेगा, सिग्मा या पाई, सिग्मा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट तो यह है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। दूसरा पॉइंट है कि सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में दोनों आते हैं, सिग्मा एंड पाई, लेकिन इंडिविजुअली पाई की बात करें तो वो तो वीक है। समझ में आ रहा है? तो आप जब बोलते हो कि पाई ज्यादा स्ट्रांग होता है तो आप गलत बोलते हो, लेकिन आप ये बोलते हो कि डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है सिंगल बॉन्ड से, तो आप सही हो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में सिग्मा प्लस पाई दोनों होंगे। समझ में आ रही है बात? अगर सिंगल बॉन्ड की एनर्जी सपोज एक्स है, तो डबल बॉन्ड की एनर्जी क्या होगी, 2x या 2x से थोड़ी कम, 2x से थोड़ी कम, क्यों, क्योंकि उसके अंदर दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा और वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना सिग्मा था। ठीक है, तो ये आप लिखिए फास्ट। तो हमारा थर्ड पॉइंट, की पॉइंट क्या रहेगा, इससे पता चलता है फर्स्ट बॉन्ड जब भी बनेगा, फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, एंड इट विल जन एंड सेकेंड एंड थर्ड बॉन्ड बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड सिग्मा क्यों है, क्योंकि वो स्ट्रांग है। दूसरा बॉन्ड सिग्मा क्यों नहीं है, क्योंकि मॉलिकुलर एक्सेस एक ही है, ठीक है। तीसरा बॉन्ड क्यों सिग्मा नहीं है, क्योंकि दूसरी मॉलिकुलर एक्सेस एक ही है। एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड पॉसिबल है, तीन पाई बॉन्ड क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि एक्सेस तीन ही हो सकती है। तो यानी कि मैक्सिमम बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स आर थ्री, मोर देन थ्री बॉन्ड्स आर नॉट पॉसिबल बिकॉज ओनली थ्री एक्सेस आर प्रेजेंट, मोर देन थ्री बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स नॉट पॉसिबल।
बिकॉज ओनली थ्री एक्सेस आर प्रेजेंट, ओनली थ्री एक्सेस आर प्रेजेंट, लिखें इसको। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ H2, फॉर्मेशन O2, फॉर्मेशन N2 बाय VBT थ्योरी। तो VBT थ्योरी क्या बता रही है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो फर्स्ट पॉइंट, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हमें बतानी है। ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, यानी हम इसको ऐसे समझाएंगे, दो हाइड्रोजन एटम है जो कि मिलके क्या बना रहे हैं, H2। ड्यू टू ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ एस ऑर्बिटल, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एस ऑर्बिटल। देखिए कैसे एस ऑर्बिटल हमारे पास ओवरलैप होंगे। ये हाइड्रो एस है, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इनमें ओवरलैपिंग हो गई। तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा बॉन्ड, ये मॉलिकुलर एक्सेस है। ये आपके पास H है, ये H एटम है, ये अब आपके पास H2 मॉलिक्यूल कहेगा, ओवरलैपिंग बिटवीन S एंड S, S S ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ये हमारे पास हो गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और इसमें सिर्फ एक सिग्मा, एक ही सिग्मा बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड कहलाएगा, ये कौन सा कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड, एस एस। इज दैट क्लियर? ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, सिग्मा एस एस। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं N2 की। दो नाइट्रोजन एटम N2 बना रहे हैं, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। यहां पर पी ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे। आप जानते हो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह है, एस ऑलरेडी पेयर्ड है, ये है नाइट्रोजन का, दोनों नाइट्रोजन का सेम है, लेकिन आफ्टर बॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये सारे अनपेयर्ड किस में हो जाएंगे, पेयर्ड में हो जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन देगा, सामने वाला, इस तरह से। तो आपको ये समझ में आ गया कि बॉन्डिंग कहां से हो रही है, दूसरे ने दिया है। अब दोनों एटम का यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, बिफोर बॉन्डिंग बॉन्डिंग एटम्स का ये था, आफ्टर बॉन्डिंग दोनों एटम का कुछ इस तरह का हो गया। मान लीजिए ये येलो कलर में है, आफ्टर बॉन्डिंग दोनों ने शेयर कर लिया, येलो की जगह व्हाइट, व्हाइट की जगह मैंने येलो कलर ले लिया है। इज दैट क्लियर? तो अब इसको बॉन्ड को कैसे बताना है आपको, यहां तक तो आपके लिए सही था। आपने ये नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन लिखा, इसके पास एस है और इसके पास पी भी है, लेकिन एस बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, पी। ये दोनों नाइट्रोजन एटम हो गए। तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये सिग्मा बनेगा, क्योंकि ये मॉलिकुलर एक्सेस में। तब पाई कहां बनेगा, तो ये पाई बॉन्ड को हमें ऐसे बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दूर होने की वजह से ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं दिखा सकते। और पाई कहां बनेगा, एक और पाई बनेगा, ये तो है वाई एक्सेस, ये है एक्स एक्सेस, और एक जेड एक्सेस में होगा। ये आपको दिखाना पड़ेगा, आराम से दिखा सकते हैं आप,
तो ये आपके पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। क्या ऊपर अलग पाई है नीचे अलग पाई है, नहीं, मिला के एक ही पाई बोलेंगे, ऊपर ओवरलैपिंग और नीचे ओवरलैपिंग को एक ही बोलेंगे, यहां पर भी ऊपर और नीचे को क्या बोलेंगे, एक ही बोलेंगे। अगर आपने ऊपर शो कर दिया तो आप बार बार मत देखो नीचे के लिए। तो दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड हो गया आपके पास, तो वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स। N2 के लिए गलती से हमने N2 पहले ले लिया है, अब बात आती है O2 की। O2 में एक पाई बॉन्ड कम बनाना पड़ेगा आपको, बना सकते हैं क्या, भी बना सकते हैं, तो जल्दी से बनाइए। ट्वाइस ऑक्सीजन ले लिया, O2 बना लिया आपने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने ऑक्सीजन का देखा ही है, इस तरह से होगा। ये ओवरलैपिंग के बाद ये इस तरह से रह जाएगा, और इसके ओवरलैपिंग के बाद ये कुछ इस तरह का शो करेगा। डायग्राम आप आराम से बना सकते हैं, ये आपने ऑक्सीजन एटम बनाया, ये बनने वाला बॉन्ड जो आपके पास रहेगा ये सिग्मा बॉन्ड रहेगा, क्योंकि ये मॉलिकुलर एक्सेस में है, और मॉलिकुलर एक्सेस का पता चलता है दोनों के न्यूक्लियस को मिला दो। ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, क्या दोनों का अलग अलग काउंट करना पड़ेगा, नहीं, तो किसी एक जगह लिख लो, दो जगह लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होगा, वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड, इज दैट क्लियर। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या कहलाएगा, जल्दी से बताइए, यहां आपके पास क्या था, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड था, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या कहलाएगा, यहां पर कितने बॉन्ड है टोटल, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब टोटल बॉन्ड्स, वन, यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या कहलाएगा आपके पास, वन प्लस टू थ्री, यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या कहलाएगा आपके पास, वन प्लस वन टू। तो ये बेसिक डिफरेंस है फॉर्मेशन ऑफ ओ टू एन टू एंड एच टू का। तो चलिए, हमारा टारगेट ये है कि वाई एस ऑर्बिटल डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, इस पे हम बहस करना चाह रहे हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट्स, तो हमें यहां पर पढ़ना है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल विद एम्पलीट्यूड डायरेक्शन, थोड़ा और एडवांस, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल विद एम्पलीट्यूड डायरेक्शन, यानी डायरेक्शनल नेचर हम बोल सकते हैं, सही है। तो पहले डायरेक्शनल नेचर सोचो आप एस ऑर्बिटल का, तो फर्स्ट आर्टिकल आपका फर्स्ट टॉपिक यही रहेगा, डायरेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड। देखिए दो तरह की डायरेक्शन हो सकती है, एम्पलीट्यूड इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है, और इस तरह से भी जा सकता है। सपोज इसको आप साई प्लस बोल रहे हो, तो इसको क्या बोलोगे आप, साई माइनस,
तो यहां प्लस माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड, क्या ये डायरेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड बता रहा है, हाँ, क्या ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, नहीं, तो यहां हमारे पास प्लस और माइनस, प्लस माइनस शो डायरेक्शन नेचर नेचर नॉट शो, कुछ बच्चे इसको चार्ज समझ लेते हैं, उसके लिए बोल रहा हूं नॉट शो चार्ज, तो आपने ये चीज समझ ली अच्छे से। तो प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ क्या मिक्स हो सकते हैं, नहीं। तो पहला पॉइंट है ओवरलैपिंग रूल, क्या कहलाता है ओवरलैपिंग रूल, ध्यान से देखिएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस क्या पॉसिबल है, हां यस, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग सिग्मा माइनस इसको क्या बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग, एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग, सॉरी सिग्मा प्लस और सिग्मा माइनस को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, जबकि सिग्मा माइनस और सिग्मा माइनस दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, इसको वापस बोलेंगे बॉन्डिंग ओवरलैपिंग। तो कौन सी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, प्लस प्लस हां, माइनस माइनस हां, प्लस माइनस नहीं, समझ में आ रहा है, माइनस प्लस नहीं, इज दैट क्लियर। तो कुल मिला के आप मुझे ये बताएं, अगला पॉइंट ये तो हुआ डायरेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ वेव एम्पलीट्यूड इन ऑर्बिटल, अगला डायरेक्शन ऑफ वेव एम्पलीट्यूड इन ऑर्बिटर। सबसे पहले बात करते फर्स्ट एस ऑर्बिटर, एस ऑर्बिटल या तो प्लस का होगा पूरा या फिर पूरा माइनस का होगा, बी हम बात कर रहे हैं पी ऑर्बिटल की, किसकी बात कर रहे हैं पी ऑर्बिटल की, ये प्लस और माइनस दोनों एक साथ एक ही ऑर्बिटल में होता है, यहां प्लस मान लो तो इस तरफ क्या लोगे माइनस, यहां माइनस मान लोगे तो यहां क्या मानना पड़ेगा प्लस, सी डी ऑर्बिटल, ये है डी ऑर्बिटल, मान लीजिए ये प्लस है तो कॉन्जुगेट वाला माइनस होगा फिर प्लस होगा फिर माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये इस तरह से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आ गई बात समझ में। तो ये तो आपके पास हो गया, लेकिन डी के लिए अगर आप बात करोगे, एक डी बहुत अलग अलग हो सकते हैं, ये तो हो गया एक्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड भी हो सकता था या फिर डी जेड एक्स भी हो सकता था, इनमें से कोई भी एक हो सकता था, लेकिन अब आप जानते हो ये जो ऑर्बिटल है प्लस माइनस ये कौन सा होगा डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, सही है, और ये कौन सा हो जाएगा, ये मान लीजिए प्लस और ये माइनस, ये है डी जेड स्क्वायर,
तो ये हमारे पास एस पी डी ऑर्बिटल है, एफ हम नहीं पढ़ते ओवरलैपिंग में, ठीक है। रिंग के ऊपर पूरा नेगेटिव होगा, पूरी रिंग, और ये दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह पॉजिटिव रहेगा, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, लिख लीजिए। तो हमारा अगला आर्टिकल इसी के अंदर होगा कि ओवरलैपिंग कौन सी पॉसिबल है, प्लस प्लस की है या माइनस माइनस की, प्लस माइनस माइनस प्लस नहीं हो सकते। तो वो सारे ओवरलैपिंग जिसमें प्लस माइनस या माइनस प्लस हो रहा है वो एंटी बॉन्डिंग को जनरेट करेगा, और वो बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, अनस्टेबल। तो ये बात तो आपके दिमाग में अंदर तक बैठी रहनी चाहिए कि कौन से बॉन्ड बनते हैं कौन से नहीं बनेंगे। तो अगला की पॉइंट बन रहा है आपके पास, एस ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऑर्बिटल एंड डी जेड स्क्वायर। ये तीन ऑर्बिटल ऐसे हैं, आप कुछ भी कर लो, ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, कैन जनरेट ओनली सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा के नीचे, यानी पाई बॉन्ड हम नहीं बना रहे। तो ये क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, आप कर लो कोशिश, मैं एस के लिए बात कर रहा हूं, मान लीजिए ये प्लस प्लस, क्या ये बॉन्ड बन सकता है, हाँ, समझना। तो ये बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, फिजिबल है, पॉसिबल को फिजिबल भी बोलते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं हम, अगर पाई बॉन्ड बनाना हो तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, और न्यूक्लियर एक्सेस, ये जो होगा ये सिग्मा प्लस प्लस सिग्मा प्लस, और नीचे वाला जो होगा इस जगह वो हो जाएगा सिग्मा प्लस प्लस सिग्मा माइनस, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस प्लस पॉसिबल है, प्लस माइनस पॉसिबल नहीं है। नेट ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, जीरो। नेट ओवरलैपिंग जीरो, नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि S, और इसकी जगह आप ये ले लो, ये भी सिर्फ सिग्मा ही बनाएगा, क्योंकि पाई बनाने के लिए ये दोनों प्लस प्लस ही ऊपर और नीचे भी प्लस ही है, जबकि यहां पर एक जो ऊपर प्लस होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए था, माइनस, पाई बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए नहीं बना पाएगा। क्या ये बना लेगा, हाँ, ऊपर माइनस नीचे प्लस, इस तरह से जाके बनाएगा पी के साथ, कोई डाउट नहीं है, श्योर है, लॉक कर दें। तो हमने ये क्वेश्चन बनाया, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नॉट पॉसिबल आपको बताना है, नॉट पॉसिबल और पॉसिबल दोनों बताना है। तो आप बताइए, क्या सिग्मा बॉन्ड के लिए एसएस ओवरलैपिंग पॉसिबल है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी एक कंडीशन में हो जाती है, आप यस कर सकते हैं, हाँ हो जाती है, लेकिन कब होगी, जब दोनों साई प्लस आएंगे, एक साई प्लस और एक साई माइनस आ गया तो वो नहीं होगा। फिर होगा क्या, वो ऑर्बिटल जो यूं घूम रहा है उसे पूरा घूमना पड़ेगा एटम को, और वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में है वेव को, अगर कोई वेव इस तरह से और उसको पूरा मॉलिक्यूल अगर रोटेट हो जाता है तो वो एम्पलीट्यूड डायरेक्शन चेंज हो जाती है और फिर आपका काम चल जाता है, इज दैट क्लियर। तो कुछ इस तरह का हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है एस और पी के अंदर सिग्मा बॉन्ड, हाँ, पी पी के बीच में सिग्मा बॉन्ड, हाँ, एस डी के बीच में, हाँ, पी और डी के बीच में, हाँ, बिल्कुल सारे पॉसिबल है, कोई मना नहीं कर रहा। पाई बॉन्ड के लिए देखते हैं, पी पी के बीच में पाई बॉन्ड पॉसिबल है, हाँ बन सकता है, पी एक्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका एक ही एक्सेस में होना बहुत जरूरी है, यानी पाई बॉन्ड बनते वक्त या तो पी एक्स में बनेगा या पी वाई में बनेगा, ऐसे नहीं बन सकता, ठीक है।
तो हम उस पर भी आएंगे, अगला एग्जाम्पल वही लेंगे कि पी एक्स पी वाई में क्या बॉन्ड बनेगा या पी वाई पी वाई में क्या बनेगा, वो हमें देखना होगा। लेकिन अभी तो एक भी पॉसिबल है तो हम यस करेंगे। एस और पी के बीच में पाई बॉन्ड बन सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। पी और डी में हाँ, कुछ केसेस हैं जहाँ पाई बन सकता है। क्या एस और डी में बन सकता है? कभी भी नहीं। डी जेड स्क्वायर और पी में डी जेड स्क्वायर कभी भी नहीं बनाता, तो ये कभी भी नहीं बनाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये बात तो आपको अच्छे से देख लेना है। अब आगे इसी एग्जाम्पल को और एक्सटेंड बनते हैं। अब मैं ऑर्बिटल के नाम दे रहा हूं और आपको ये बताना है कि इनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड पॉसिबल हैं। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा आपके लिए? शो पॉसिबल बॉन्ड्स बिटवीन गिवन ऑर्बिटल, गिवन ऑर्बिटल इफ एक्स एक्सिस इज मॉलिकुलर एक्सिस, मॉलिकुलर एक्सिस डिफाइन हो गई, मॉलिकुलर एक्सिस। तो आप मुझे बताएं ये पॉइंट्स को लेते हुए, फर्स्ट ऑप्शंस एस प्लस एस में कौन सा ऑर्बिटल होगा, कौन सा बॉन्ड बन सकता है? सिग्मा पाई या दोनों? सिग्मा। दूसरा पीएक्स, पीएक्स में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा, क्योंकि मॉलिक्यूलर एक्सेस ही एक्स है। ओनली सिग्मा या दोनों? ओनली सिग्मा। थर्ड पी एक्स पी वाई में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। फोर्थ पी वाई में कौन सा बनेगा? पाई, सिग्मा पाई या केवल पाई? केवल पाई। अगर यहां पर एक्स एक्सिस मॉलिक्यूलर हटा देता तो फिर तो सिग्मा भी बन सकता था और पाई भी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये है। पी जेड और पी जेड के बीच में कौन सा बनेगा? जल्दी बोलें। समझ में आ रहा है? अगला एस और डी के बीच में कौन सा बनेगा? एस तो देखते ही सिर्फ और सिर्फ सिग्मा ही बनाएगा। बोलो यस और नो। नेक्स्ट, मैंने गलती से पाई लिख दिया, बनेगा सिग्मा। सही है? तो यहां तक क्लियर है आपका? बोलो यस और नो। नेक्स्ट पी एक्स या पी एक्स मत लो आप, पी वाई ले लो। पी वाई और डी एक्स वाई के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई, केवल पाई, क्योंकि वाई पे तो वैसे भी सिग्मा नहीं बन सकता और ये एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। पी वाई डी एक्स जेड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। नाइन डी एक्स वाई और डी एक्स वाई के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? डी मॉलिकुलर एक्सेस एक्स है, सॉरी हाँ एक्स है, और एक्स वाई बिटवीन द एक्सेस होता है, याद है? ऑन द एक्सेस तो हो ही नहीं सकता, तो सिग्मा तो बनने से रहा, तो क्या बनेगा? ओनली पाई। यस और नो? कोई डाउट ही नहीं है, पक्का? समझ में आ गई बात? वैसे भी मैं आपको आसान भाषा में बोलना चाहूंगा तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीन ऐसे ऑर्बिटल हैं जो सिर्फ पाई बना रहे हैं, और डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर क्या बना रहा है? सिर्फ सिग्मा। कोई दिक्कत नहीं है, अपने लाइन में नीचे लिख लेंगे ये नोट जो मैंने अभी यार बोला है।
शायद मैंने लिखा भी दिया होगा पहले, तो लिखेंगे नेक्स्ट। ये पाई बन सकता है पक्का, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको। पी जेड और डी एक्स वाई के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोई भी नहीं बनेगा क्योंकि ये उसके परपेंडिकुलर है। आ गई बात आपको, कुछ समझ में आ गई? तो आप दो की पॉइंट लिखेंगे वापिस। पहला की पॉइंट जो मैंने अभी हाल आपसे बोला, और दूसरा की पॉइंट क्या? यहां तक समझ में आ गया? तो की पॉइंट आपके पास है। मैं आपके साथ यहां पर एक और बॉन्ड शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है डेल्टा बॉन्ड। क्या नाम है? डेल्टा बॉन्ड। ये डेल्टा बॉन्ड क्या होता है लिखते हैं हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड। पहले तो ये जानते हैं कि डेल्टा बॉन्ड होता क्या है, फिर बात करेंगे कि ये कैसे बनेगा। यानी इट इज ए स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड जनरेट बाय फोर लूप ओवरलैपिंग। यानी चारों लूप एक साथ ओवरलैप कर रहे हैं, इसको बोलेंगे हम डेल्टा बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग है पाई में भी। तो कैसे बनता है, अब बात करते हैं बनता कैसे है। पहले मैंने एक क्यूब बनाया इसको समझाने के लिए। जिससे आपको समझ में आए कि ये बॉन्ड है कैसा थ्री डायमेंशन में। अब मैं एक ऑर्बिटल बना रहा हूं जो कोई भी हो सकता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, कोई भी इसमें से आ गया आपके पास। मान लीजिए ये एक्सेस जो आपके पास एक्स एक्सेस है, तो ये क्या हो जाएगा, इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? डी एक्स वाई। और ये भी क्या होगा? डी एक्स वाई। ये कोई भी एक्सेस मान लीजिए एक्स वाई है, तो ये जेड एक्सेस हो गई। समझ में आ रहा है? ये कौन सी एक्सेस होगी? जेड। बन जाने दो। अब आप मेरे को बताएं, यहां जेड एक्सेस है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा किसके बीच में? पहले साइन दीजिए आप, ये कौन सा साइन होगा? प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ये क्या है? प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो क्या ये हो सकता है प्लस माइनस, प्लस माइनस? तो क्या यहां ओवरलैपिंग हो सकती है प्लस प्लस की, माइनस माइनस की, प्लस प्लस की, माइनस माइनस की? बोलो या छोड़ो। तो ये पहले तो ये बताइए, ये जो ओवरलैपिंग होगी ये क्या होगी? पाई बॉन्ड। ये टोटल क्या बनेगा? पाई बॉन्ड ही बनेगा। लेकिन इस पाई बॉन्ड में कितने ऑर्बिटल, कितने लूप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? फोर। तो चारों तरह से ओवरलैपिंग होगी, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड होगा। नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग हो सिग्मा से ज्यादा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि डीडी के बीच में बनने वाला इस तरह का पाई बॉन्ड पीपी के बीच में बनने वाले पाई बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर की पॉइंट क्या रहेगा, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, ड्यू टू फोर लूप ओवरलैपिंग। जनरेटेड बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड एंड इट्स नॉन बाय डेल्टा बॉन्ड।
डेल्टा बॉन्ड से। तो क्या डेल्टा बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोल सकते हो? हाँ, लेकिन पाई बॉन्ड को डेल्टा बॉन्ड बोल सकते हो? नहीं। ये क्लासिफिकेशन हो गया पाई बॉन्ड का भी, एक नॉर्मल पाई बॉन्ड और एक डेल्टा पाई बॉन्ड। इज दैट क्लियर? लिखो आप। चलिए अगला पॉइंट है हमारा कमेंट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, यानी हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। हमने इतना तो पढ़ लिया कि पाई बॉन्ड सिग्मा से वीक होता है, लेकिन हमें एक कदम आगे जाना है। पाई भी बहुत सारे होते हैं, तो पाई में कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है वो हमें देखना है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा 2p 2p पाई बॉन्ड। ड्यू टू स्मॉल साइज। फिर होता है क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। फिर बनेगा आपका इसके बाद 2p 3p पाई बॉन्ड। 2p 3p से भी ज्यादा हो जाएगा 2p 3d, क्योंकि ये उसकी तरफ बराबर ही हो जाएगा लगभग लगभग। फिर होगा आपके पास 2p 3p, और सबसे वीक होगा 3p 3p। तो ये दोनों पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड में आते हैं, वेरी वीक। ये आता है मॉडरेट में, और ये आता है स्ट्रॉन्ग में। आप खुद ही देख लीजिए, इसके बीच की साइज छोटी है तो पाई बॉन्ड आराम से स्ट्रॉन्ग होगा। यहां 2p छोटा है लेकिन d बड़ा है, लेकिन रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यहां एक छोटा और एक बड़ा है, तो रिलेटिव डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी न्यूक्लियस। और लास्ट में किसके अंदर? थ्री पी के अंदर। फिर तो पूछो ही मत, बहुत बड़े पाई बॉन्ड है ये, अनस्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बहुत बड़ी डिस्टेंस हो गई। आप देखो कितना दूर हो गया, डिस्टेंस का बहुत बड़ा फर्क है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मोर इफेक्टिवनेस मोर स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है? लिखें इसको। हमने वीबीटी थ्योरी में दो बहुत बड़े काम पढ़ लिए, पहला सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, और एक बॉन्ड का एक्सपांशन यानी ऑक्टेट रूल का एक्सपांशन। ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। हम उससे और कुछ चाहते थे, जैसे कमेंट ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ, या हेडिंग डाल सकता है हमारा कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, कंपेरिजन ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ पे मैं कंपैरिजन चाह रहा था, भाई कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो जनरल वे में अगर हम बात करें सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड में, तो 1s 1s बहुत ज्यादा है डिफरेंस, बहुत ज्यादा है किससे? 2s 2s से, 2s 1s से, और ये भी बहुत ज्यादा है 2s 2s से। तो आप बताइए, क्या आपको 1s 1s का कौन सा एग्जांपल याद है? हाइड्रोजन, हाँ या ना? आपको इसका कौन सा एग्जांपल याद है? H2। इसका कौन सा होगा? LiH। इसका कौन सा होगा? Li Li। और इससे भी ज्यादा होगा बहुत कम तेजी से, 3s 3s। इसका कौन सा एग्जांपल होगा? Na Na। इसको बोलेंगे Na2, इसको बोलेंगे Li2, इसको LiH ही बोलेंगे, इसको H2 बोल देंगे। तो जब मुझसे पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन Li और लाइन खींच के H, तो आंसर क्या होगा? कोवलेंट या आयनिक? कोवलेंट। आयनिक शो करने के लिए कभी भी लाइन नहीं होती, प्लस माइनस होता है। व्हाट बॉन्ड प्रेजेंट इन Na2? कोवलेंट आयनिक मेटालिक, कोवलेंट। समझ में आ गया? कोवलेंट आयनिक मेटालिक कोवलेंट। Na2 बनता है क्या? नहीं।
तो क्या वो कोवलेंट बनाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि इतना वीक बॉन्ड है कि वो फिर मेटेलिक बनाना पसंद करेगा एज कम्पेयर टू कोवलेंट। जिसमें ज़्यादा फायदा आदमी वही देख लेता है, समझ में आ रही है? तो जहाँ फायदा ज़्यादा वो बॉन्ड अपने आप बना लेगा। सेकंड, बना तो सब सकता है। सेकंड, अगर हम बात करें एसएस और पीपी में, तो ये तो बहुत तेजी से कम होता है। तो अगर हम बात करें एस कौन सा है, पी कौन सा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन अगर पीपी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा टू पी। पी तो टू से ही चालू होता है, टू पी, टू पी सबसे ज़्यादा, फिर टू पी, थ्री पी, और फिर सबसे बहुत तेजी से कम हो जाएगा थ्री पी, थ्री पी, और उससे भी कम हो जाएगा फोर पी, फोर पी। समझ में आ रहा है? तो फोर पी, फोर पी, उससे भी कम बॉन्ड हो जाएगा हमारा, और वही चीज आगे भी चलेगी, बॉन्ड कंपैरिजन। या सुनो, तो ये हमारे लिए रहा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल फर्स्ट कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट एच एफ ए एच सी आर बी एच बी आर सी एच आई डी, तो आंसर क्या जाएगा? आप देखो ये कौन सा ओवरलैप होगा, 1s 2p, 1s 3p। तो ओवरलैपिंग में p ऑर्बिटल चेंज हो रहा है, 1 से 2p से कहां चला है, 2p 3p 4p 5p, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो आंसर क्या होगा, a सबसे ज्यादा, फिर b, फिर c और फिर d। यस और नो? बोलो यस और नो, क्लियर है? तो ये हमारे पास हो रहा है आंसर 10। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे H2O, H2S, H2SE और TE, H2, बहुत सारे। तो आंसर क्या जाएगा, वही हमारे पास, अगर हम ABCD की बात करेंगे, सबसे ज्यादा कौन स्ट्रांग होगा, ABCD। रीजन, यहां ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है, 1s 2p, 1s 3p, समझ में आ रहा है? तो हम किससे दे रहे हैं आंसर, VBT से। क्या दोनों एग्जांपल हमारे क्लियर हैं? तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CF4, CCl4, CBr4, CI4। यहां बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में हो रही है, आंसर वही ABCD, ए फिर बी फिर सी और सबसे कम डी। क्यों? ABCD में यहां कौन सा ओवरलैप हो रहा है, 2p 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 3p 2p 4p 2p 5p, इज दैट क्लियर? कोई डाउट? कोई एक्सेप्शन नहीं बन रहा है। क्या एक्सेप्शन बन सकते थे? हाँ, तो कहां बनेंगे वो मैं सबसे लास्ट में लेता हूं। देखो फोर्थ नंबर का एग्जांपल, F2 Cl2 Br2 I2 ABCD। इसका प्रैक्टिकली आंसर क्या आया, मैं थ्योरिटिकल तो सोच रहा था, तो सबसे ज्यादा कौन जाता, ए बी सी डी, यही ऑर्डर रहता, लेकिन सबसे ज्यादा बी आया, फिर सी आया, फिर ए आया, फिर डी आया, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे प्रैक्टिकल। मैंने क्या का आंसर दिया भाई, ये जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी एक्सेप्शन था, पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे, लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन बना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, क्लोरीन फ्लोरीन फिर ब्रोमीन आता है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी में क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन और फिर आयोडीन आता है, यानी फ्लोरीन अपने से दो नीचे आ जाता है। अब रीजन देना है, कुछ भी बनाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बनाना पड़ेगा जैसे ये आंसर आ सके। ओवरलैपिंग कौन सी हो रही थी, 2p 2p, तो रीजन 2p 3p 3p, कौन सा हो जाएगा 4p 4p,
5p 5p। मुझे समझ में नहीं आ रहा था रिजल्ट क्या बनाया, रीजन क्या बनाया, लेकिन ये बात समझ में आ गया था कि फ्लोरीन के केस में जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पास पास है, और ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज वेरी वेरी हाई, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो मैंने बस यही बोल दिया, बाकी तो हर चीज प्रैक्टिकल होती है। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, जब एटम छोटा होगा तो उसके ऑर्बिटल भी क्या होंगे, छोटे होंगे। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज फ्लोरीन एटम्स इज वेरी स्मॉल एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वेरी हाई, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ लेस, कम हो जाएगी। देखो छोटे होने से फायदा होता है वैसे तो, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, लेकिन कई बार कुछ चीजें अति हो जाती है तो भी नुकसान होता है। एक लिमिट से ज्यादा अति होने के बाद क्या होता है, रिपल्शन चालू हो जाता है, वही हुआ इसमें। पहले जनरली छोटे होने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट के बाद फिर वो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने लगती है, रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड न्यूक्लियस 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 रिपल्शन, बस उसकी वजह से ज्यादा हो गया। अदरवाइज तो जनरली छोटा होने पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन बढ़ेगा और उससे स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन यहां बहुत ज्यादा छोटा हो गया। मैंने आपको याद है एनर्जी कर्व भी बताया था, एक लिमिट के बाद वो कम होने लग जाता है, वही चीज इसके साथ हो रही है। तो ये रिपल्शन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार टेस्ट में पूछा जा सकता है, आप इसको लिख सकते हैं, लिखें इसको। तो ये बहुत वीक है, तो यही कारण है, ध्यान से सुनना क्या कारण है, कार्बन में पाई बॉन्ड स्टेबल है, इज दैट क्लियर। कार्बन ऑक्सीजन में पहला तो सिग्मा ही बनेगा, दूसरा ये पाई बॉन्ड बनेगा, ये भी स्टेबल है क्योंकि ये 2p ऑर्बिटल यूज कर रहा है, ये भी 2p ऑर्बिटल ले रहा है, ये 2p ले रहा है, ये भी 2p ले रहा है, तो ये पॉसिबल है पाई बॉन्ड। लेकिन कार्बन की जगह अगर मैं सिलिकॉन ले लेता, सिग्मा तो पॉसिबल है, सिग्मा तो स्ट्रांग होता है, लेकिन ये पाई बॉन्ड अनस्टेबल है या लेस स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, क्यों, क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड है, ये लेगा 3p और ये रहेगा 2p, 3p और 2p के बीच में नहीं बनता। तो इसका मतलब दो ही तरह के पाई बॉन्ड दिखेंगे आपको, 2p 2p के बीच में और 2p 3d के बीच में, बाकी पाई बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया पाई बॉन्ड फॉर्मेशन अच्छे से। इसीलिए SiO2 नहीं रहता, CO2 एग्जिस्ट करती है, Si2 एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि उनके बीच में पाई बॉन्ड ही नहीं। तो अगला क्वेश्चन यही है हमारा, CO2 इज गैस, एग्जिस्ट का मतलब गैस, वेयर एज SiO2 इज सॉलिड, एक्सप्लेन कैसे, एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्यूशंस बहुत आसान है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये सिग्मा ये सिग्मा ये पाई ये पाई, कौन सा पाई है, ये 2p 2p पाई बॉन्ड जो कि स्टेबल है। दूसरी तरफ सिलिकॉन में ये कौन सा पाई है, ये तो सिग्मा है, ये सिग्मा ये पाई ये पाई, अनस्टेबल है, अनस्टेबल पाई, क्योंकि ये किसके बीच में, 2p 3p के बीच में टूट जाएगा, और टूटते ये क्या बनाएगा, सिलिकॉन, इस तरह से ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये SiO2 सॉलिड बना लेगा, सारे सिग्मा पूरे कंटिन्यू बॉन्ड बनते जाएंगे एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ, तो SiO2 एग्जिस्ट इन नेटवर्क बॉन्डिंग, नेटवर्क बॉन्डिंग, सारे मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाएंगे सिग्मा बॉन्ड से, हैविंग ओनली सिग्मा बॉन्ड,
ठीक है, सो इट इज सॉलिड। तो आप पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हैविंग हैव सिग्मा बॉन्ड ओनली, सो इट इज सॉलिड सॉलिड। बस इतना सा लिख लो, ड्यू टू नेटवर्क बॉन्डिंग इट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। देखिए वीबीटी थ्योरी हमारे लिए इस समय बहुत फेमस हो चुकी थी, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसे कारण आए कि हमें वीबीटी की जरूरत नहीं पड़ रही थी। हमें लग गया था कि वीबीटी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है, इन फ्यूचर। कैसे? उसका पता चला फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और फॉर्मेशन ऑफ मिथेन जैसे मॉलिक्यूल से। हमने जब वीबीटी के थ्रू इन दोनों मॉलिक्यूल को बनाया तो हमें कई गलत चीज़ों का पता चला वीबीटी के अंदर होने वाली। जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अगर आप देखते हो तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है क्या? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इस तरह से है, इसके पास तीन अनपेयर्ड है, इसको तीन बॉन्ड बनाने हैं, सही है। और मीथेन का अगर देखते हो तो मीथेन के पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो एक्साइटेड स्टेट में ही बॉन्डिंग बनाता है, यानी चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और वो चारों बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। अमोनिया तीनों बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर आ गया इसके अंदर, ये नाइट्रोजन का एस ऑर्बिटल है, पी भी इसमें है सारे। अब पी कितने हैं इसके पास? ये पी हो गया, ये कौन सा मान लीजिए पी एक्स, ये पी वाई मान लीजिए, और पी जेड भी है आपके पास, पी जेड भी आपके पास हो गया। अब इन सब में कौन अटैच हो रहा है? कहीं ना कहीं आपके पास हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन जब अटैच होगा इस जगह, तो हाइड्रोजन आपके पास, ये हाइड्रोजन अटैच हो चुका है, ये हाइड्रोजन अटैच हो चुका है, ये हाइड्रोजन अटैच हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। सारे बॉन्ड कितने बन रहे थे? ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा, जो पॉइंट्स निकलने आ रहे थे, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 1s एंड 2s, 2p दूसरा पॉइंट। तो ये तो सही था, ऑल आर सिग्मा, ऑल आर इक्वल स्ट्रेंथ, ऑल आर इक्वल स्ट्रेंथ, ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल इन स्ट्रेंथ, यहां तक भी थ्योरी सही चल रही थी। लेकिन एक बार बताइए बॉन्ड एंगल कितना है इनके बीच में? 90 डिग्री। थर्ड बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल कोई सा भी देख लो, आपको कितना दिख रहा था? 90 डिग्री। अब ये देख लीजिए कितना मिल रहा था? 90 डिग्री। अब ये देख लीजिए 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री थे। All bond angles are 90 degree. All bonds angles, bond angles are 90 degree, which is wrong. Practically हमें पता चला ये bond अलग है, ठीक है। वीबीटी के अकॉर्डिंग तो कितना था? 90 डिग्री, लेकिन यही इसका ड्रॉबैक आगे चल के कहलाया और हमें पता चल गया कि हमें कोई नई थ्योरी चाहिए। चलिए एक एक्सेप्शन माफ, एक गलती तो हम भगवान की भी माफ कर देते हैं, है ना, किसी भी इंसान की कर देते हैं। तो ये तो फिर वीबीटी है। दूसरा, अगर कार्बन के लिए बनाएंगे तो ये कार्बन है, ये इसका एस ऑर्बिटल, इसके पास भी तीन ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। हमने कहा कि आप बताइए कहाँ बॉन्ड बनेंगे, उसने कहा सबसे पहले तो ये हो जाएगा 2p 1s, एक ही हो जाएगा, ये भी 2p 1s के बीच में, 2p इसका 1s इसका, ये भी हो जाएगा 2p 1s। लेकिन एक बॉन्ड जो हाइड्रोजन का होगा वो इसके किस कहां पर अटैक करेगा? वो कहीं पे भी हो सकता है, वो यहां हो सकता है,
वो यहां हो सकता है जहां उसे जगह मिल गई, अगर यहां हुआ तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, 1s 1s, यहां पर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है वो, तो पोजीशन डिफाइन ही नहीं हो पा रही थी मिथेन में। और दूसरी क्या प्रॉब्लम आ रही थी हमारे को कि सारे बॉन्ड बराबर स्ट्रेंथ के नहीं थे, 1s 1s ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू 2p 1s के, तो ये चीज बाद में पता चल रहा है गलत थी। तो अकॉर्डिंग टू VBT, अकॉर्डिंग टू VBT फॉर मिथेन CH4, ऑल बॉन्ड्स आर नॉट सेम स्ट्रेंथ, ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इन सेम स्ट्रेंथ। जो कि प्रैक्टिकली गलत है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, पोजीशन ऑफ वन बॉन्ड इज नॉट डिफाइंड, पोजीशंस ऑफ वन बॉन्ड नॉट डिफाइंड। बाद में हमें पता चला ये टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन VBT से हम ये प्रूफ नहीं कर पाए कि ये टेट्राहेड्रल है। तो प्रैक्टिकल डाटा शो दैट मिथेन इज टेट्राहेड्रल, व्हिच इज नॉट एक्सप्लेन बाय मिथेन व्हिच VBT, ठीक है ना। तो ये तो प्रैक्टिकल को शो ही नहीं कर सकता था, तो क्या इसने टेट्राहेड्रल बताया, नहीं। तो थर्ड पॉइंट, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट टेट्राहेड्रल, इसके अकॉर्डिंग तो नॉट टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ही नहीं है, अलग ही तरह की शेप है इसमें, तो इज नॉट टेट्राहेड्रल। और ये सभी पॉइंट गलत आ रहे थे, ऑल अबव पॉइंट्स आर रॉन्ग प्रैक्टिकली। हाँ बेटा, बेटा ये सिर्फ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, हम अमोनिया नहीं बना रहे हैं प्रैक्टिकली, N2+H2। हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा उस पर डिस्कस कर रहे हैं। अमोनिया का फॉर्मेशन हम ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रिएक्शन में, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, तो अगर आपको लग रहा है तो पूरा हेडिंग चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन डाल लीजिए ऑफ अमोनिया एंड CH4, ठीक है। एनी अदर डाउट?